2024 चुनावी साल है, लेकिन सरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर सचेत है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार के बजट में वित्तीय घाटा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, वित्तीय घाटा कम रखने का मतलब है खर्च कम करना या फिर आमदनी बढ़ाना? सरकार कैसे कंट्रोल करने वाली है फिस्कल डेफिसिट को? देखिए, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में सरकार फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। अगले कारोबारी साल के लिए फिस्कल डेफिसिट सरकार बढ़ाएगी, इसकी संभावना बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। दो ही विकल्प जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये है कि चालू कारोबारी साल का जो फिस्कल डेफिसिट है 5.9%, उसी पर बरकरार रहे, लेकिन इस बात की संभावना दिख रही है कि शायद इसमें भी सरकार कटौती करे और फिस्कल डेफिसिट और सख्त करे। इस बात के भी ऐलान बजट में करते हुए सरकार दिख सकती है, यानी 5.9 से भी कम कर सकती है फिस्कल डेफिसिट, इसका भी एक विकल्प सरकार के पास है। चालू कारोबारी साल के लिए जो 5.9% का फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, वहां भी जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, सरकार इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है, ये 5.9% का लक्ष्य तो आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। हो सकता है एक सरप्राइज भी आए और सरकार ये भी कहे कि चालू कारोबारी साल में हमने लक्ष्य से ज्यादा बेहतर फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल किया है। और इन सब के पीछे 3-4 खास वजह है जो सरकार मान के चल रही है। पहली बात तो ये कि जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेहतर है, चालू कारोबारी साल में 6.5% से ज्यादा ग्रोथ होने का अनुमान है। ग्रोथ ज्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, और अभी ही टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक है। जीएसटी के आंकड़े को देखिए तो दिसंबर में 10% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ पिछले साल के मुकाबले। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है। और एक और वजह, जिस तरीके से सरकारी कंपनी और सरकारी बैंकों की हालत सुधर रही है, उनका परफॉर्मेंस आगे भी बेहतर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में उनसे जो आमदनी होगी वो भी सरकार के हिस्से में आती हुई दिखेगी, तो ये भी सरकार एक फैक्टर का मान के चल रही है। तो हर हालात में सरकार ये मान रही है कि चुनावी साल होने के बावजूद भले ही खर्च बढ़ जाए, फिर भी सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता शायद करते हुए ना दिखे। शुक्रिया।